अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कल रात को हम लोग को बहुत ही ज्यादा ठंडा लगा और हमारे गांव में बहुत ही ज्यादा ठंड बढ़ गया है। और दोस्तों, मैं ओढ़ के सोने के लिए भी ज्यादा ब्लैंकेट नहीं निकाली थी, सिर्फ एक ब्लैंकेट को ही हम लोग ओढ़ के सोए थे, तो उसी की वजह से और भी ज्यादा हम लोग को ठंडा लगा। मैं सोच रही हूँ कि और भी मैं पेटी से ब्लैंकेट निकाल लूँ और बच्चे लोग को भी अच्छे से संभाल के रखूँ, क्योंकि दिन में भी उन लोग को स्वेटर मोजा इनर पहना कर ही रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे गांव में इतना ही ज्यादा ठंड बढ़ गया है, दिन भर हवा वगैरह भी चलता रहता है। दोस्तों, कल मैं नहीं नहा पाई थी क्योंकि मेरा सिर दुख रहा था इसी के वजह से। तो चलिए दोस्तों, अभी अच्छे से धूप किया है तो मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले मैं नहा धो के रेडी हो जाऊंगी, फिर अच्छे से धूप सेका लूंगी, फिर बाकी का काम करूंगी। तो दोस्तों, मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और ठंड के दिनों में और ठंडा ठंडा पानी में नहाई हूँ तो मेरा हाथ पर एकदम से ठंडा हो गया है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से धूप में बैठ जाते हैं, फिर धूप में ही बैठ के तेल वगैरह लगाएंगे। तो दोस्तों, पता नहीं अभी मेरे चेहरे में कैसे पिंपल हो गया है, तो मेरे को शीशा देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं बिना शीशा देखे ही कोई भी क्रीम को लगा लेती हूँ। तो दोस्तों, हाथ पैर में मैं तेल लगा चुकी हूँ और सबसे पहले मैं धूप सेका लेती हूँ क्योंकि मेरे को बहुत ही ज्यादा ठंडा लग रहा है, अभी अभी मैं नहा कर उठी हूँ। तो और दोस्तों, आप लोग ठंड के दिनों में ठंडा पानी से नहाते हैं कि गर्म पानी से नहाते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, हम लोग तो हमेशा ठंडा पानी से ही नहाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं नदी के साइड लकड़ी खोजने के लिए, क्योंकि रात को हम लोग लकड़ी में ही आग जला के सेकाते हैं। वैसे तो दोस्तों घर में लकड़ी है, लेकिन खाना बनाने के लिए है तो उसमें मैं खाना बना हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि नदी के साइड जाऊंगी तो आम का पतला पतला डंठल वगैरह मिलेगा, तो उसी को ले आऊंगी। देखे दोस्तों, हम लोग नदी पहुंच चुके हैं, लेकिन हम लोग को एक भी लकड़ी नहीं मिला। लगता है कि कोई लकड़ी खोज के ले गया, क्योंकि हमारे गांव में सभी लोग चूल्हा में ही खाना बनाते हैं तो सभी लोग लकड़ी खोजते ही रहते हैं। तो दोस्तों, मैं नदी आ ही गई हूं तो सरसों भाजी थोड़ा सा तोड़ कर ले चलती हूँ घर। तो दोस्तों, मैं सरसों भाजी भी तोड़ चुकी हूँ और मैं ज्यादा सरसों भाजी नहीं तोड़ी हूँ, तो चलिए अब चलते हैं घर। तो ये देखिए दोस्तों, मैं इतना सरसों भाजी तोड़ी हूँ तो इसका मैं सब्जी नहीं बनाऊंगी, इसको मैं सोच रही हूँ कि धूप में इसको काट के सुखटी सुखा दूंगी। तो चलिए इसको लेकर चलते हैं घर। तो दोस्तों, मैं सरसों भाजी लेकर आ गई हूँ घर, तो इसको मैं अच्छे से चुन लेती हूँ, फिर कल काट के इसको सुखा दूंगी। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं घर के एक भी डब्बे में पानी नहीं है, तो मैं सबसे पहले पानी भर देती हूँ। और आप तो जानते ही हैं कि हमारे गांव में कितना ज़्यादा लाइट कटता है, तो मैं सबसे पहले घर का पानी ही भर लेती हूँ। दोस्तों, घर का पानी भर आ चुका है, तो आज बच्चे लोग बोल रहे हैं कि आलू और फूलगोभी का बिरयानी बना दीजिए अम्मी। तो मैं सोच रही हूँ कि आलू फूलगोभी तो घर में है ही है, तो मैं बना ही देती हूँ। दोस्तों, बहुत दिन हो गया था हम लोग आलू वाला बिरयानी नहीं खाए थे, वैसे तो ठंड के मौसम आ गया है तो कुछ भी बनाकर खाने से बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए दोस्तों, आलू और फूलगोभी अच्छे से कटा चुका है, तो चलिए इसको अंदर लेकर चलते हैं, फिर बिरयानी का मसाला पीस लेंगे। दे देना लीजा, ले ले, खोलूंगी, ले ले।
के जेल उठा था तुम्हें लेना तो छीन लिया एकदम पागल आदमी लगता है जा। दोस्तों मैं मसाला पीसने के लिए लहसुन छील रही थी और इधर दोनों बच्चे भी बैठ गए हैं और इन लोग भी कितना जिद्दी हो गए। और इधर देखिए दोस्तों अभी बुलबुल के अब्बू भी आ गए हैं और बुलबुल भी बहुत ज्यादा खुश हो गई है अपने अब्बू को देख के। और इधर मैं रोशनी के बैग को दी थी कि इसका चैन खराब हो गया है तो इसमें चैन लगवा कर ले आइए, तो एक चैन लगवा कर ले आए हैं। तो दोस्तों रोशनी के दादा बगीचे में लकड़ी तोड़ रहे थे तो उसी को बच्चे लोग ढो कर लाए हैं आग तपाने के लिए, इसीलिए रोशनी के दादा आम के पेड़ से सूखा सूखा लकड़ी को तोड़ लिए। तो दोस्तों बाहर वाला किचन का लाइट फ्यूज हो गया है और ये 15 रुपया वाला बल्ब हर एक 2 दिन में फ्यूज हो जाता है तो हम लोग को डेली ही लगाना पड़ता है बल्ब। तो दोस्तों मैं हम लोग के दुकान से बल्ब ले आई हूँ और बाहर वाला किचन में लग गया है तो थोड़ा इंजोला दिख रहा है यहाँ पर भी। और यहाँ रोशनी के अबू आग जला रहे हैं तपाने के लिए और मैं बनाने का तैयारी कर लेती हूँ। तो चलिए दोस्तों अब बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं फूलगोभी को तल के अच्छे से निकाल लेती हूँ। तो दोस्तों फूलगोभी भी तला गया है तो मैं आलू को भी इसी तरीके से तल कर निकाल लेती हूँ। तो दोस्तों आलू फूलगोभी दोनों तला गया है तो मैं प्याज डाल के अब मसाला भूंज लेती हूँ। तो इसमें मैं छोटा इलायची और लौंग और तेजपत्ता डाल के अच्छे से इसको भी भूंज लेती हूँ, फिर जो मैं पीसी थी वो मसाला को डाल दूंगी और अच्छे से मैं मसाला को तेल निकलते तक भूंज लूंगी 10 मिनट तक। तो दोस्तों मसाला भी भूंजा गया है तो मैं चावल को पकाने के लिए 4 मान पानी डाल देती हूँ, फिर पानी भी अच्छे से खोल जाएगा तो मैं चावल को भी डाल दूंगी पकने के लिए। तो ये देखिए दोस्तों चावल लगभग पक ही गया है तो मैं आलू फूलगोभी को भी इसमें डाल के 5-10 मिनट तक पका लूंगी। तो दोस्तों आलू बिरयानी में खाने के लिए मैं टमाटर का चटनी बनाऊंगी, उसमें बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो दोस्तों आलू बिरयानी बन गया है और मैं इसमें खाने के लिए टमाटर का चटनी भी पीस चुकी हूँ। तो चलिए अब सासू अम्मा लोग को दे देते हैं खाना खाने के लिए उन लोग, क्योंकि शाम को जल्दी ही खाना खा लेते हैं। और ये देखिए दोस्तों टमाटर चटनी कितना अच्छा दिख रहा है। चलिए सासू अम्मा लोग को अब दे देते हैं खाने के लिए। खाना खा चुके हैं और आज का आलू बिरयानी बहुत ही अच्छा बना था। और आज आए हैं बाजी लोग के यहाँ घूमने के लिए तो ये देखिए हम लोग बैठे हैं बाजी लोग के यहाँ, तो उधर बाजी चाय बना रही है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़। बाय।